So how is the journey till now? कैसे हैं आप लोग? So we can start with the question. कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में या जैसे भी ठीक लगे यू कैन स्टार्ट दैट. कैसी रही है जर्नी? कितना आप लोग अपने इश्यूज को ओवरकम कर पाए? कहाँ कहाँ स्टक आप लोग फील किए? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? जो जिन जिन एरियाज में हमने आपको प्रॉमिस किया था, कहीं कुछ अगर कमी है, आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं. कोई भी लिमिटेशन है, जैसे थैंक यू, कुछ लोग सेशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे तो थोड़ा सा उनके अंदर गिल्ट फीलिंग था कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे. कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल नहीं है इतने जैसे इतना फास्ट ट्रैक लर्निंग के लिए, लेकिन हम लोग की ये कोशिश होती है कि हम लोग को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गिविंग करना होता है, तो इसलिए हम लोग उसको एक लेवल से नीचे हम लोग नहीं रख सकते हैं. So, कैसा एक्सपीरियंस रहा लिनी जी आपका अभी तक? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. इट इज लाइक बहुत कुछ मालूम है बट नो कैसे करना है मालूम नहीं है. एंड आपका पूरा डिटेल्ड वे में आपने आपने समझाया, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू. दैट इज वाई लास्ट वीक का लास्ट सेशन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो जल्दी हो गया था, तो इसीलिए ना तो इस बार मैंने सोच ही लिया कि मुझे आके आपसे मेरा ग्रेटिट्यूड शेयर करना ही है. सो 8:15 से आई वाज वेटिंग फॉर नो आई थिंक सर ने 8:15 को बोला था आपने, हाँ, तो पहले आई एट वाज फिफ्टीन वेटिंग होना था, टू आप लोग के सेशन थे इस वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन करना यस पड़ा यस हम लोग सर. को 3 मिनट्स. तो आई रियली वाज नो वेटिंग फॉर टू टेल माय ग्रेटिट्यूड टू यू. सो डिटेल में आपने समझाया एंड सो मेनी थिंग्स नो टच करके गए. लाइफ में बहुत अचीव किया है बट कैसे करना है नो, कभी कभी वो सेल्फ में ना पता नहीं चलता हम करेक्टली जा रहा है कि नहीं, वो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है. आपने वो क्रिटिसिज्म की बात की है तो इनिशियल क्लासेस में इट वॉज रियली नो टचिंग टू अंडरस्टैंड माई गॉड दीज ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर एंड वी आर नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीशन देयर बिकॉज ऑफ बींग ए टीचर. आई एम ए टीचर, आई कैन टीच माई चिल्ड्रेन, आई कैन गाइड दम, बट वेन इट कम्स टू मी आई एम नॉट एबल टू डू डू दैट वन. सो टूडे नो नाउ आपका क्लास अटेंड करने से वो मुझे एक रियली आई डोंट हैव द वर्ड्स टू टेल एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो वो पकड़ में आ गया. तो क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए. नो समटाइम्स इट वॉज दैट क्रिटिसिज्म वॉज टू बूस्ट, नो मुझे दिखाना है, दुनिया को दिखाना है. वो दुनिया को हम दिखाते हैं लेकिन हम खुद से वो ना उसमें से बाहर नहीं आ पाते, तो वो सभी है ना आपने अच्छे से टच किया है. तो थैंक यू सो मच सर. एंड इवन द प्राइमल थेरापी ऑल्सो द टेक्निक ऑल्सो रियली मुझे वी कैन डू मीन्स मोस्ट कितना भी बार कर सकते हैं. करेक्ट, ऐसा नहीं है कि इतना या देन होपोनोपो दैट टेक्निक आई यूज टू डू, बट वो उसका कभी कभी सुनते थे वो उतना मजा नहीं आता था. व्हाट इज उसका दिस प्रोसेस नो नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, तो या आपको कहाँ प्रोसेस पे टच करता क्लैरिटी. है पता नहीं था. नाउ इट इज वेरी क्लियर नो कभी भी कर सकते हैं, वो टेक्निक पता है और समझ में आया कैसे कैसे उसको अफेक्ट मिलता है. तो थैंक यू एग्जैक्टली. सो मच. थैंक यू. थैंक यू. आप में से कितने लोग किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल इशू को फेस कर रहे हैं? एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इशू. साइकोलॉजिकल इशू का मतलब ये होता है कि अगर आप बेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर आप बेस्ट ऑफ मेंटल पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली स्टक कर रहे हैं. ये इशू किसके किसके साथ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वो शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा 10-11 ईयर का एक्सपीरियंस है. और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग एज ए नेशन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये इश्यूज होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं और बोल देते हैं आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, ऐसे वैसे खाना पड़ेगा, ना तो वो डायग्नोसिस पे जाते हैं, किसी भी चीज पे नहीं जाते. तो अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, तो अगर बस आप उसका रीजन ढूंढ पाते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर आप उसके रीजन को जस्ट समझ लेंगे, तो वो इशू आपका अप टू 60-70% को रीजन समझने से हील हो जाता है. सो हम लोगों ने जो सेल्फ डाउट वाला जो प्रोसेस था, क्योंकि सेल्फ डाउट का हमें बस रीजन समझ में आ जाए, कोई भी आपको इश्यू हो बस आप उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए. और बेस्ट वे क्या है, मी टाइम स्पेंड कीजिए, डायरी राइटिंग कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए. जैसे ही आपको रीजन पता चलता है, 60-70% वो हील हो जाता है. और जो मेन जो चैलेंज होता है, इनिशियल हीलिंग में होता है. सो
दिस इज द वे. लेकिन अगर खुद से नहीं हो पाया तो हम लोग एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं. सो दिस इज इट. कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग रिविजन करेंगे. चैट में पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं. आई थिंक थ्रू यू वी आर डिस्कवरिंग आर सेल्फ ऑल ओवर अगेन. एग्जैक्टली, ये इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. क्योंकि अपने अपने सेल्फ स्टीम को फिर से बिल्ड करना, अपने सेल्फ लवर लव को फिर से क्रिएट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये एक तरीके से दिस इज लाइक अ रीबॉर्न. हम लोग फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. क्योंकि कई बार हम लोग की जो जर्नी रहती है, ठीक है, हम लोग की जो लाइफ होती है, जैसा लोगों के ओपिनियंस होते हैं वैसी हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वैसी हम लोग अपनी सेल्फ इमेज बना लेते हैं. और जो हम लोग को ओपिनियन दे रहा है वो भी बहुत वाइज नहीं है, ठीक है, जस्ट सब चीजें रैंडम है, हम लोग की लाइफ रैंडम चलती है. सो यस, ये दिस इज लाइक रीडिस्कवर, अपने आप को रीबिल्ड करना, रीस्ट्रेंथन करना. और जितने भी एरियाज हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. सेल्फ डाउट होना, फियर्स होना, इसको ओवरकम करना. अगर आपके लाइफ में, जैसे कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसका रीजन जो हम लोग का जो डे फोर का जो टेक्निक है, जो हम लोग क्लिंजिंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों से नहीं पता हमसे पास्ट में कितनी गलतियां हुई हैं. और हमसे जितनी भी गलती हुई है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो होना ही होना है किसी न किसी तरीके से. तो अपने आप को फ्री कैसे करें? सो डे फोर में जो हमने समझाया, दैट इज द प्रोसेस अपने आप को फ्री करने. सो कई बार हम लोग सुनते हैं कि पावर ऑफ थॉट इज वेरी पावरफुल, लेकिन विच थॉट इज पावरफुल ये हम लोग को नहीं पता है. कई बार हम लोग जनरल अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो जनरल अफर्मेशन जनरली वर्क करता है. सो होप दिस इज इट. कोई भी क्वेश्चन है तो अपना एक बार स्कोर शेयर कीजिए. आप लोग क्या स्कोर पे हम लोग हैं? इसको हमने थोड़ा सा गेमिफाई किया था ताकि हम लोग इसको एक गेम की तरह ले सकें. तो हर दिन का सेशन अटेंड करना इज 10 स्कोर, और हर दिन का टास्क करना इज 10 स्कोर. तो एवरी डे आप 20 स्कोर कर सकते थे. अभी तक हम लोग डे फोर में है तो 80 आउट ऑफ 80 अभी तक कितना आपका स्कोर पॉइंट क्या है? आप अपना चैट में शेयर कर सकते हैं, जैसे भी बाकी लोग भी कैमराज ऑन कर सकते हैं. यू आर एट द राइट प्लेस. कोई भी क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस है, आप पूछ लीजिए. कहीं पे भी आप स्टक हुए हैं, कहीं पे भी, अदरवाइज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे. ओके, 80 आउट ऑफ 80. हाय सर. हेलो. हाय सर, मैं बनानी बोल रही हूँ. मैं मतलब अनम्यूट, सॉरी, मतलब मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, घर में थोड़ा सा कोई सुनिए, क्योंकि मैं आज सुबह को मैम का जो सेशन है वो पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाई. मैं घर में नहीं थी तो वो मुझे अटेंड अभी तक नहीं करना हुआ, पर ये मीटिंग के बाद मैं वो कर लूंगी. वो सीखना नहीं हुआ मुझे अभी भी. कोई सुनिए जी. थैंक यू. क्योंकि कई बार हम लोग की लाइफ में हम लोग जो पेन रिटेन करते हैं उसका एक रीजन होता है, हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके हमारे पास आंसर नहीं होते. अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका हमारे पास आंसर नहीं है तो हम लोग एक कंफ्यूजन में, एक डिलेमा में जीते हैं. हम लोग एक हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिटेन करते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन है ना उसके डीपर लेयर्स हैं. अगर हमारे पास सारे आंसर्स होते हैं तो हम लोग का जो ब्रेन है ना वो इंटीग्रेटेड होता है, दैट इज वन माइंड. और अगर आंसर्स नहीं होते तो हम लोग का ब्रेन, हम लोग का माइंड सेगमेंटेड होता है. एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा हिस्सा कुछ कहता है, तीसरा हिस्सा कुछ कहता है, चौथा हिस्सा कुछ कहता है. क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई है, हम लोग की लाइफ में ज्यादातर जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो रैंडम होती है, वो वीक होती है, वो डिसएम्पावरिंग होती है. सो वेलकम आशा जी, कैसे हैं आप? आपके क्वेश्चंस में जो थोड़ा बहुत आंसर कर पाया था, कुछ भी आप पूछ सकते हैं. जो भी कहीं पे भी आप स्टक कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं. नहीं, ऐसा हुआ कि ऐसा होता है, मतलब जनरली सभी के साथ होता होगा कि हम परिस्थिति के हिसाब से उस वक्त जैसा भी अपना समय होता है या उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं. और उस चक्कर में क्या होता है, कई बार हमें अपना मन मारना पड़ता है. कई, मतलब जैसा मेरे साथ हुआ कि मेरी पूरी लाइफ ही मतलब उल्टी पुटी हो गई. वैसी नहीं रही जैसे मैं कॉलेज टाइम में सोचती थी या जैसा भी कुछ है. तो मैं कुछ भी मतलब जैसे अगर हम दुनियादारी के हिसाब से देखें तो मेरा पर्सनल में कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ. हालांकि मेरे बच्चे अभी ग्रेजुएटेड ऑफिसर वगैरह हो गए, काफी अच्छा है सब कुछ. मगर वो बच्चे कहते हैं हालांकि कि ये सब तुम्हारे वजह से हम अचीव कर पाए वगैरह, जो कुछ भी है. मगर मुझे जो खुद में मतलब दुनिया के खुद में मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मुझे आज ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हूँ. और कभी उसका दूसरा पहलू सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं, मैंने उस टाइम पे वो सब कुछ किया इसलिए बाकी सब चीजें ठीक हो पाई.
तो मेरे एक अगर मैं अपनी अपनी जिंदगी की तरफ देखती तो शायद दूसरी कम से कम 50 जिंदगियां खराब होती जो कि मेरे मिस्टर के ऊपर डिपेंड थी या जो कुछ भी। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं कभी लगता है कि मैं गलत हूँ, कभी लगता है मैं ठीक हूँ, पर आज मुझे अकेलापन इतना खा रहा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मतलब इतने डिप्रेशन में कि मैं बाहर जाहिर भी नहीं कर सकती हूँ। तो अचानक मेरे मिस्टर की डेथ होने के बाद में फिर मेरे बेटे को थोड़ा सा इश्यू होने लगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन। मैंने साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा कंसल्ट किया, तो मैं साथ में थी, तो जब मैं उसकी प्रॉब्लम बताने लगी तो वो कहने लगी कि वो ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, आप ज्यादा प्रॉब्लम में, ट्रीटमेंट नहीं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से अपनी कोई बात उनसे कही नहीं थी, पर जिस तरह से मैं उनकी हिस्ट्री बता रही थी तो उन्होंने वैसा मतलब कुछ कंक्लूजन निकाला। हेलो आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर करूं आपको। जी 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 सर देखिए देखिए, आपकी अभी तक की जो लाइफ रही है, आपने जी जो भी डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, आपकी जी लाइफ में एक ही कमी है, आपको इनर कंटेंटमेंट की कमी है। आपकी जी लाइफ में सारी वर्ल्डली चीजें हैं, सारी जो दिखने वाली चीजें हैं, सब वेल ऑफ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ना इनर ठीक कंटेंटमेंट नहीं है, इनर हाँ कंटेंटमेंट की कमी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन चीज, एग्जैक्टली एक ही बात है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इनर कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है, इनर कंटेंटमेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ उसके लिए, बस आपकी लाइफ में वो कमी है। अब देखिए आपको स्ट्रेटजी क्या लेना है, आपकी लाइफ जी में जो है ठीक है, वो आपकी सोल को टच नहीं कर रहा है, हार्ट को टच नहीं कर रहा है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो टच करने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन उसकी भी वैल्यू है। देखिए इन शॉर्ट, आपने अभी तक अपनी लाइफ में 30% अचीव किया है, जी अब आपकी जो लाइफ बची है, जो मिसिंग एलिमेंट है, अब उसको अचीव करना शुरू कीजिए। अब जो लाइफ बची है आपकी, अब आप अपने अपने पॉजिटिविटी को, अपने हैप्पीनेस को, अपने पीस को अब प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए। अभी तक आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज किया, बच्चों को प्रायोरिटाइज किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया, वो भी ठीक था, कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भी ठीक था, उसकी वजह से आज आपके बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं, वो सब ठीक है, आपको वो सब चीजें आपकी लाइफ में है, तो उसको एज ए अचीवमेंट देखिए आप। और जो मिसिंग एलिमेंट है, आपके पास टाइम है, उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दीजिए। नहीं, पर अब मुझे अकेलापन इतना हो गया है कि मुझे किसी चीज में खुशी ही नहीं महसूस होती। मतलब अब मैंने देखा, मतलब ना कोई भौतिक चीजों में खुशी महसूस होती, मतलब मैं अंदर से कुछ भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही। आप अपने साथ तो मी बहुत टाइम स्पेंड करते इंटरेस्टिंग हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आप? आपकी सोशल सर्किल कैसी है, आपकी फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल कैसी है? तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब मस्त, हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, हैप्पीनेस कहाँ से कहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी हैप्पीनेस कहाँ से नहीं। आएगा? देखिए हम लोग के लाइफ के 6 एस्पेक्ट्स होते हैं, कल हम लोग को डिटेल में समझने वाले हैं, कल मैसेज ना विस्मत करना। हम लोग के लाइफ के 6 एस्पेक्ट होते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी सोशल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। हम लोग की लाइफ में जो ज्यादातर जो हैप्पीनेस आता है ना, हमारे रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप जोन से आता है, हमारे सोशल सर्किल से आता है, तो वो आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी नहीं है। आपको अपनी लाइफ को एक तरीके से फिर से स्टार्ट करना है, अपना सोशल सर्किल वो क्रिएट करना है, आपको अपना सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी ढूंढना है। आपको आपके अंदर आंसर है कि आपको पॉजिटिविटी किससे, कहाँ से मिलेगी, वो मेडिटेशन से आ रहा है, कुछ सीख के आ रहा है, कुछ सिखा के आ रहा है, इसका आंसर आपको ढूंढना है आपको। और देखिए जो रिलेशनशिप जो जीरो है अगर आपकी लाइफ में, तो देखिए देखिए एक ने रिसर्च किया गया कि लाइफ में हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अलग अलग लोगों पे स्टडी किया गया, एक जैसे ये किसी अमेरिका किसी कॉलेज के ऊपर, एक अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च किया गया, उनको पूरा फॉलो किया गया उनके कॉलेज डेज से उनके मरने तक, लास्ट टाइम तक, और ये उसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि लाइफ में हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि क्या ये पैसा है, क्या ये पावर है, क्या ये रिचनेस है, क्या ये फेम है। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो सबसे ज्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लोग थे, वो नहीं थे जो रिच थे, वो नहीं थे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, जिनके बच्चे सेटल हो गए थे, वो नहीं थे, जो सबसे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लोग थे वो थे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? ये सही कहा आपने। तो उस एरिया पे आपको वर्क करने की जरूरत है। बाकी कुछ आंसर्स आपको कल मिलेंगे, फिर भी कहीं कुछ वो होता है तो हम लोग 1-to-1 शेड्यूल कर लेंगे आपके साथ। लेकिन अगर लाइफ में इशू है तो उसको फिक्स करना है, इस माइंडसेट को रखिए, ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता।
बस उसका सोल्यूशन अगर हमारे पास नहीं है तो किसी और के पास होता है, हमें ढूंढना होता है, अपने टाइम में हमें यही काम करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को फिजिकल हेल्थ इशू होता है, कोई भी डिजीज हो रहा है, तो हम डॉक्टर को ढूंढते हैं कि वो मेडिसिन बता दे। उसी तरीके से अगर हम अपने इशू को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके एक्सपर्ट को ढूंढना है। और ये जो यूनिवर्स है अबंडेंट है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, जब तक हम ही न माने की कमी है। सो होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल पाई। जी जी जी, अभी तक की आपकी जो भी है उसको अचीवमेंट की तरह देखिए। जैसे अगर मुझे रेट करना हो तो आपकी लाइफ की अचीवमेंट 30% है, उसमें और ऐड जब होंगी ना, तो उन 30% की वैल्यू आप और ज्यादा करने लगोगे, समझने लगोगे। आपको अपने सोशल सर्किल पे वर्क करने की जरूरत है, आपको ढूंढने की जरूरत है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलता है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका माइंड आंसर करेगा। जी, सो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। How you can be so positive and smiling all the time? Thank you. What is the secret of that? You are really so energetic all the time. Okay, thank you. आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं आंसर करता हूँ। देखिए, ये जिस फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूँ, इस फील्ड में एंटर करने का जो मेरा जो मेजर रीजन था वो ये था कि मैं एज ए पर्सन थोड़ा बेटर होना चाहता था। इस फील्ड में मैं सिखाने उखाने के लिए बिल्कुल नहीं आया था, बस मुझे ये था कि मैं किसी का भला कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं अपना भला कर लूँ। मेरी ये थिंकिंग थी, जो कि अच्छी थिंकिंग है। एक स्टेटमेंट है, वो लिखे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हमें किसी के साथ भी अच्छा करना है तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन, वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन। देखिए, हम लोग की सोसाइटी में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो वही है जो खुद को भी परेशान करते हैं और दुनिया को भी परेशान करते हैं। और हम लोग की सोसाइटी में जितने भी इम्पावरिंग लोग हैं, पॉजिटिव सोर्सेज हैं, वो वही है जो अपना भी ख्याल रखते हैं, फिर वो दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। सो इस फील्ड में एंटर करने का मेरा रीजन ही ये था कि मुझे लगा था कि नहीं, शायद सीख के मैं कुछ बेहतर बन पाऊँ। तो ये जो बेहतर बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आगे बढ़ते 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 फिर एक टाइम आता है कि जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, एक टाइम आता है जब नेचर आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। दैट इज द लास्ट थिंग जिसको हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में बोलते हैं, वो दैट इज द लास्ट सक्सेस होता है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, नेचर आपको यूज करे, यूनिवर्स आपको यूज करे, फिर जो आपका जो ग्लो होता है, आपकी जो हैप्पीनेस होती है, आपकी जो एनर्जी आती है, वो वहां से आती है। सो थोड़ा सा उसका रिलेशन है मेरी पॉजिटिविटी में, क्योंकि क्योंकि मतलब मेरी जो लाइफ है वो कुछ ऐसी रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे इंगेज किया है, उसने मुझे हुक किया है कि नहीं तुम्हें यही करना है। और जैसे उसको आप वे ऑफ लिविंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सो दैट इज होप मैं आपको आंसर कर पाया। सो अल्टीमेटली जो पर्सनल ग्रोथ का जो हाइट होता है, पहले हम लोग वर्क करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे, अपने अलग अलग हेल्थ पे, फिर अल्टीमेटली हम लोग एज ए पर्सन इवॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली हम लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करते हैं। हम लोग समझते हैं कि व्हाट द स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का सीधा सा मतलब होता है कि आप नेचर से डायरेक्ट कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना वो आपके थ्रू बोल पा रहे हैं। सो दैट इज द हाईएस्ट पॉजिटिविटी, हाईएस्ट पीस एंड हाईएस्ट ब्लिसफुल स्टेट वी कैन एंटर इन। सो मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो दैट इज द रीजन बिहाइंड जो भी पॉजिटिव मेरे पास है। विश मैनिफेस्टेशन हम लोग कल उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो कल ऑलरेडी हम लोग का विश मैनिफेस्टेशन, और हम लोग देखिए जो भी प्रोसेस सीख रहे हैं, देखिए अभी हम लोगों ने किस किस एलिमेंट पे वर्क किया। जितना आप अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करते हैं, जितना अपने फियर को ओवरकम करते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन उतना ईजी होता है। जितना आप अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लीन करते हैं, उतना आपका मैनिफेस्टेशन इंक्रीज करता है। क्योंकि देखिए हम लोग जैसे एक जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि ये कहता है कि थॉट बिकम थिंग्स, वो बात सच है, लेकिन वो बात इनकम्प्लीट है। हमारी थॉट का जो सोर्स है वो हमारे इमोशंस हैं। हम वैसा नहीं महसूस करते हैं जैसा सोचते हैं, हम वैसा सोचते हैं जैसा महसूस करते हैं। इस बात को समझिए। जैसे एक फेमस जो बुक है सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो फेमस है, अच्छी बात है। कई बार क्या है कि हम लोग को लगता है कि हम सब कुछ जान गए, सब कुछ सीख गए। मैं आपको बताऊँ, रोज हम लोग कम से कम 4 से 5 ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो कहते हैं कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो हम बोलते हैं कैसे वर्क करेगा, आपने बस एक एलिमेंट सीखा है, आपको एक इंजन बनाना है, आपने इंजन बनाने की एक एलिमेंट सीख लिया, पूरा इंजन आप नहीं बना सकते। तो हम लोग का जो इमोशनल क्लिंजिंग है वो भी हम लोग के मैनिफेस्टेशन पे पैसिवली वर्क करता है। जितना हम लोग इमोशनली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली पॉजिटिव होंगे, एक इमोशनली पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव नहीं सोच पाएगा और एक इमोशनली नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा। तो ये जो हम लोग का जो इमोशनल क्लिंजिंग का प्रोसेस है, अल्टीमेटली वो आपके मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करने वाला है। सो होप मैंने आपके जो क्वेश्चन है मैंने आंसर किया कि ये 4 डेज का सेशन कैसे हेल्प करेगा। फिर देखिए जो हम लोग का जो day 4 है, अगर हम लोग के लाइफ में स्ट्रगल है तो हम लोग का जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वहीं पे स्टक रहता है। तो जब तक हम इन चीजों को क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम लोग का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा।
तक हम लोग का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, फिर हम लोग कई बार साइंस को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, आप जब तक कंप्लीट नहीं सीखेंगे तब तक वो चीजें वर्क नहीं करती हैं। और कोई भी क्वेश्चन है? हाँ जी सर, वो जो आपने प्रोसीजर बताया था कि निगेटिविटी या अपने मन के अंदर डर है या कोई भी चीजें हैं, उसमें क्लींजिंग का जो प्रोसीजर बताया था वो आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, मतलब समझ, मतलब प्रैक्टिकली करने में क्या। हाँ जी, आपने क्वेश्चन फिर से पूछे ताकि मैं और प्रिसाइजली समझ पाऊँ। जो क्लींजिंग का आपने प्रोसीजर बताया उसमें, हाँ, कल के सेशन में, ठीक है, वो क्लींजिंग का थोड़ा प्रोसीजर हमको एक बार ऐसे सामने मतलब बताएंगे। ठीक है, मैं देखिए दो चीजें हैं जो क्लींजिंग है, हम लोग दो चीजों क्लींजिंग करते हैं, एक तो अपने नेगेटिव मेमोरीज की और नेगेटिव इमोशंस की करते हैं, जो हम लोगों ने डे 3 सेशन में किया था कि अगर किसी के लिए कुछ एंगर है तो उसको हम लोग पेपर पे लिख के हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं, एक वो क्लींजिंग किया था। दूसरा, हम लोग की अभी तक की बहुत सी जो नेगेटिव मेमोरीज होती है उसको हमने क्लींजिंग किया था प्राइमल थेरेपी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हम लोग के डीप सबकॉन्शियस में होती है या हम लोग के डीएनए में होती है, वो ऐसे समझिए कि अगर कुछ गलती या हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स से हम लोग के अंदर आई हो, क्योंकि डीएनए तो वही हम लोग कैरी कर रहे हैं ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है, कई लोगों के साथ, जो मेरे साथ भी हुआ, कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को लगता है कि फिर भी स्ट्रगल क्यों नहीं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो हम लोग के डीप सबकॉन्शियस में होते हैं। तो वो जो हमने डे 4 में जो 4 स्टेटमेंट का जो है वो उसको क्लीन कर देता है, जो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, जो रिपेंटेंस की फीलिंग है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो डे 4 का सेशन अटेंड कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस की क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ये क्लींजिंग की बात हो गई। अब क्लींजिंग के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है सेल्फ लव का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस क्लीन कर दिया मतलब हम लोग जीरो पे आ गए, अब हमें एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो एम्पावरमेंट में ऑब्स्टेकल क्या आता है, हमारा सेल्फ डाउट आता है, हमारे फियर्स आते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस ये पूरा प्रोसेस है। फिर हम लोग उस पर आगे की लैडर्स पे जाते हैं, जो हम लोग कल जिसके बारे में बात करें कि अब इसके बाद क्या करें, कि ठीक है हमने अपने क्लींजिंग कर लिया, एम्पावरमेंट कर लिया, अब हम लोग कैसे ऑटोमेटेड मोड में जाए ताकि हम लोग की जो भी विशेष है उसको मैनिफेस्ट कर पाए। दिस इज अबाउट, जैसे आपने एंगर के लिए बताया वो एक प्रॉपर टेक्निक बताई, उस तरह की कोई टेक्निक डर के लिए है? डर वाली जो भावना, एक इनसिक्योरिटी बहुत लगती है आजकल, मतलब समाज में सभी जगह हुई है इनसिक्योरिटी, हर ही आदमी के मन में है, जवानों में है, एजेड लोगों में है, बच्चों को खैर वो फीलिंग इतनी रहती नहीं है, बड़ों में ही है, और सोशल इनसिक्योरिटी या हर तरह की इनसिक्योरिटी की बात ज्यादा होने की वजह से कॉम्पिटिशन भी बहुत हो गया है, और इनसिक्योरिटी हम लोगों के जैसे एज में क्या है कि ये पीछे की पीढ़ी के ऊपर विश्वास नहीं होता है और खुद में इनसिक्योर लगता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, मेरे बारे में तो बहुत ही ज्यादा हुई, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर माहौल में रही, शादी के बाद तो बहुत ही ज्यादा रही, मतलब घर से कमरे से बाहर निकलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी तरह की। तो वो जो डर एक अंदर बैठा हुआ है, जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा बाहर निकल के, मैं होम्योपैथ हूँ एक्चुअली, तो अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकूं। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा, शादी के पहले जब तक मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला था, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरह से गाइड, मैं बहुत अच्छे से ट्रेंड हूँ, मगर मेरा वो कॉन्फिडेंस जो उस टाइम पे था वो अब रहा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने की नहीं। तो वो और उस वो इनकॉन्फिडेंस की जगह पे थोड़ा सा डर बैठ गया अंदर, बाहर के कंपटीशन का समझ लो या माहौल पूरा मेडिकल फील्ड का, बहुत आप अच्छे तरह से जानते। तो वो डर को मैं कैसे ओवरकम करूं, या कोई भी कैसे मुश्किल कोई टेक्निक हो तो अगर आप बताएंगे तो हमें फायदा होगा। देखिए बताता हूँ, देखिए जो आप डर या सोशल फियर की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग की जो सोसाइटी है ना उसको हम लोग दो हिस्से में ब्रेक कर लेते हैं, एक जो लोग नॉर्मली केवल सोसाइटी के पार्ट हैं, जैसे एक उनको हम लोग मान लेते हैं, और एक दूसरी क्लास मान लेते हैं जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग इन सब साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तो ये दो क्लास समझ लीजिए, ठीक है। अब जो पहली क्लास है, क्योंकि देखिए हम लोग की जो हम लोग का जो सोशल लेवल है उसका जो हमारी जो सोसाइटी है उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत नीचे है। जैसे अगर हम लोग चक्रास के टर्म से बात करें तो हम लोग के 7 चक्रास होते हैं, 3 लोअर चक्रास, 3 अपर चक्रास। तो हम लोग की जो सोसाइटी है ना वो लोअर चक्रास पे जीती है पूरी, क्योंकि अपर चक्रास पे आना वो प्रोसेस है, वो मेहनत है,
वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, एक बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. और क्या मिलेगा नहीं मिला मिलेगा बहुत बात की बात होती है. तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रोसेस पे जाने को तैयार होते हैं. तो जो लोग तो पता ही नहीं, वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि पता वो करना चाहते नहीं है. उनको इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो पता करना चाहते नहीं है, वो उसके लिए रेडी नहीं है, वो उसके लिए तैयार नहीं है. उसको देखिए, हम लोग की लाइफ में वही चीज आती है जिसकी हम लोग वैल्यू करते हैं. हम लोग की लाइफ में वही चीज आती है जिसकी हम लोग वैल्यू करते हैं, जिसकी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं. जिसकी हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, जिसकी हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो हम लोग की लाइफ में कभी नहीं आएगा. और एक बात समझिए, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. और जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो घूम रही है, वो तो हर जगह है. जैसे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल होता है कि एक पेड़ होता है, जैसे उसको हम लोग के साइड बोलते हैं बेहाया का पेड़, मतलब उसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोला जाता होगा. उस पेड़ का सिम्टम क्या होता है कि वो कहीं भी निकल जाता है. जैसे अब तो सिटीज डेवलप हो रही है, अदरवाइज गांव साइड में आप जाइए तो एक पेड़ होते हैं जो जहां कुछ नहीं वहां पे आपको एक पेड़ दिखेगा, उसको बेहाया पेड़ बोलते हैं. तो जो मिसफॉर्चून है, जो नेगेटिविटी है, वो तो जो नेगेटिव साइड है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है. लेकिन जो जैसे जैसे हम जैसे लोग होते हैं कि हम लोग जो हिम्मत करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मेंटर्स को सुनते हैं, हम लोग उसको ब्रेक करके हम लोग दूसरे जोन में चले जाते हैं. तो जो सबसे पहले हमें देख, हम दोनों क्लास में नहीं हो सकते. सबसे पहले हमें ये समझना है, या तो हम क्लास वन में आएंगे जो सोशल स्टेटस है, जो लोग न्यूज देखेंगे, टीवी देखेंगे, जिनके माइंड को पूरा गवर्नमेंट और मीडिया ड्राइव करती है, या तो हम उस क्लास में आएंगे या तो हम लोग दूसरी क्लास में आएंगे जहां पे हम लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल और चार्ट में लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग दूसरी क्लास में आ गए, अब क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग की लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है. तो हम लोग की लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसका ड्राइविंग फोर्स हमारा बिलीफ होता है, और हमारे जो फियर्स हैं वो भी हमारे बिलीफ होते हैं. तो हम लोग अपने बिलीफ को चेंज करके अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. उसी तरीके से हम लोग अपने फियर्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं, जो हम लोग कल डिटेल में समझेंगे. जो हम लोग के कल का टॉपिक है कि बिलीफ क्या होते हैं, फियर्स क्या होता है, सो कैसे ओवरकम करना है. सो अभी हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उससे दूरी बनाए, जो एक सोशल जो वो है, मतलब उससे अपने आप को हम लोग दूरी बनाए उससे. क्योंकि देखिए, हर एक पर्सन अपने आप को समझदार समझता है, लेकिन बात समझदार समझने की नहीं है. हम लोग की लाइफ की जो रियलिटी है वो तो विजिबल है ना, उससे हम लोग आंख बंद नहीं कर सकते. हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय रियलिटी, हम कितने हैप्पी हैं, हम कितने सैड हैं. करेक्ट. सो कैसे बिलीव को वो करें, पहले हम लोग को अपना क्लास देखना है कि हम लोग सोशल क्लास में आ रहे हैं या एक एलीट क्लास में आ रहे हैं. हम लोग अच्छे क्लास में आ रहे हैं, और अगर एक बार अच्छे क्लास में आ गए फिर हम लोग की जर्नी शुरू होती है, फिर हम लोग का ग्राइंडिंग शुरू होता है, फिर हम लोग को एफर्ट्स करना शुरू होता है. और हम लोग जो एफर्ट्स करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बाद हम वही नहीं रह जाते, फिर हम कुछ और हो जाते हैं. सो कल हम लोग वो डिटेल में समझेंगे, बिलीफ क्या होता है, फियर्स क्या होता है, कैसे उसको ओवरकम करें, वो कल का हम लोग का टॉपिक है. या सर, वन क्वेश्चन, हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना, वो दैट मीन्स दैट विल फॉलो अस, करेक्ट? सो मीन्स आपका सेशन अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा डोंट नो वर्ड्स में कैसे डाल दो, वो जो सप्रेशन जो होता था बचपन में, ओके, वेयर एवर, इफ नाउ एवरीथिंग इज क्लियर ऑल्सो, समबडी टेल्स समथिंग रिलेटेड टू दैट, वो बचपन की तरफ लेके जाता है फिर से. सो दैट नेगेटिव पैटर्न, वो एनर्जी साथ में चलता है बेसिकली. वी वॉन्ट टू नो वो कोड कट करना है तो वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट. एग्जैक्टली. वी हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन. हमें जो हमारी फैमिली है, हमें उसके मतलब उन्होंने मतलब उनका जो भी अभी तक का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग रहा है, उसी को फॉलो नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है. ये प्रोसेस अपग्रेडेशन का है, डिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं है. क्योंकि ये जो प्रोसेस है, हम लोग वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स अवर अपर चक्रास एक्टिवेशन की तरफ जा रहे हैं. हम लोग अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, हम लोग उन प्रैक्टिसेस पे जा रहे हैं, हम लोग की थॉट अवेयरनेस बढ़ रही है. अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. तो हमारी फैमिली जहां तक है वहीं तक रुके, ऐसा हमें नहीं करना है कि खुद के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि हमारी फैमिली भी वो उसी सोशल उसकी पार्ट होती है. क्योंकि हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, फैमिली का अपना एक रोल है, लेकिन हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी हमें ये समझना है. या आशा जी ने जैसे बोला ना, मुझे वो कनेक्ट कर पाई, वो स्पेशली सर लेडीज को, कितना भी हम आगे बढ़ना सोच लो, हमें बहुत सारे चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो नो दैट वन, नो थोड़ा टाइम के बाद हमें रियलाइजेशन हो जाता है, नो दिस इज नॉट अवर लाइफ. नो वो जल्दी में पकड़ पाई वो जो वो बोलना चाहती थी ना. नो हम जिम्मेदारियां सब निभाते हैं, बट एक स्टेज में आ जाता है कशमकश हो जाता है.
आई कैन रियली नो रिलेट आशा जी से, जो जल्दी रिलेट कर पाए. तो दैट इज वाई वो पैटर्न था व्हेन आपका वो क्लास में वो मैं करेक्ट करेक्ट करना करेक्ट आंसर मिलना बोलता है ना वो what was searching for the correct, so many classes attended but there was no answer getting. आपका ये चार क्लास में वो पूरा का पूरा ना साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली दैट इज वन थिंग आपने दोनों को मिक्स करके वेरी नाइसली यू हैव पुट इट इन दिस वर्कशॉप. पीछे खींचने के लिए जब भी आता है देयर विल समबडी विल बी ऑलवेज नो पुल मी आगे की तरफ लेके जाने के लिए कोई ना कोई मे बी नॉट फ्रॉम द फैमिली समबडी एल्स फ्रॉम आउटसाइड नो विल कम. So this is one time, no? Our face time pe. Oh, no. No, this is not correct. This is correct karke, na? Oh, samjhane ke liye. Now I have to practice, no? Usme se hatna nahi chahiye mujhe. That practice I have to usko bhi increase karte jana hai. The right way is ki hum usko aur kaise badhaye. Aur kaise wahan pe, jaise aur apne aap ko in cheezon ka, jo in cheezon se apne aap ko overdose kaise kare. That is the right thing. कि हमारे माइंड को मौका ही ना मिले, मतलब इधर उधर जाने का मौका ही ना मिले. सो दैट इज द स्ट्रेटजी दैट वर्क्स. क्योंकि मेरे लिए मेरे साथ यही वर्क किया. मेरी जर्नी बिल्कुल एक नेसेंट की तरह स्टार्ट हुई और वो जो जो मेरी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो भी ग्रोथ आया, दैट वाज इम्पॉसिबल जब मैंने स्टार्ट किया. मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं उतना डिजर्व करता हूँ जितना मुझे यूनिवर्स ने दिया. लेकिन ये डिजर्व की बात ही नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, और इट्स अ मैटर ऑफ कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं. दैट्स इट. डिजर्व डिजर्व करना इट्स ऑल द गेम ऑफ गॉड. वो डिजर्वेंस बढ़ाना उसके लिए चुटकी का काम है कि ठीक है इसकी आप कैपेबिलिटी बढ़ा दो. दैट्स उसके लिए वो चुटकी का काम है वो. सो होप आप समझ पाए. सो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू. वन मोर डाउट. यस हाँ, एक सवाल था ये कि जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो टेक्निक बताई वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर कितना असर हुआ या और नेगेटिविटी कितनी बची है, इसको पहचानने का कोई तरीका है? एक तो आपके अवेयरनेस से पता चल जाएगा. हम लोग की अवेयरनेस होती है ना, हम लोग को पता होता है कि हमारे जैसे आप जितना मी टाइम स्पेंड करोगे, आप जितना आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपकी अवेयरनेस देखिए हमारी अवेयरनेस में इसका आंसर छुपा हुआ है. आपको पता चलेगा कि आपकी जो नेगेटिविटी थी अब वो रिड्यूस हो रही है. आपको पूरा फील होगा क्योंकि वो ये चेंज इतना मैसिव है कि आप उसको अनरिकग्नाइज नहीं कर पाओगे. जैसे आपका आपके जो ब्रेन पे आपके माइंड पे जो बर्डन था नेगेटिविटी का वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसको फील करते जाओगे. हाँ, पर अलग अलग तरह की भावनाओं का जो मतलब लेवल है निगेटिव, वो हर भावना का अलग अलग है. तो हम किससे कितना छूट पा रहे हैं, कितना क्या हो पा रहा है, उसको पहचानने का कोई तरीका? देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो आ रहा है क्लैरिटी से रिलेटेड है. जैसे आपकी जैसे आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कुछ चीजें हैं जहां पे आप स्टक हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. तो वहां पे आपको जो नोटपैड वाला जो टूल है, आप अपनी लाइफ को नोटपैड पे ऑर्गेनाइज करो. आप लिखो माई इश्यूज, एक पेज पे लिखो आप माई विशेज. आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को ओपन करो, आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को और अपनी जितनी भी विशेज हैं वो सब लिखो आप. कई बार हम लोग के जो ब्लॉक्स पता है कहाँ से आते हैं, हम लोग ना अपने आप को सेगमेंटेड करते हैं कि नहीं ये वाली थॉट ठीक है, ये वाली थॉट ठीक नहीं है, वहीं पे हम लोग के ब्लॉक्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं. एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत राइट टाइम पे पता चल गया, जिसका लाइफ में बहुत मेजर रोल होता है. एक स्टेटमेंट है, आप लोग उसको लिख सकते हैं कि द गुड मैन इज द टीचर ऑफ बैड मैन एंड द बैड मैन इज नथिंग बट द डीड ऑफ गुड मैन. गुड मैन इज द टीचर ऑफ बैड मैन, बैड मैन इज द डीड ऑफ गुड मैन. अब आप समझिए कि इसमें कौन अच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं, बैड मैन बनना चाहते हैं कि गुड मैन बनना चाहते हैं. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको हिंदी में बता देता हूँ. गुड मैन इज नथिंग बट द टीचर ऑफ बैड मैन. मतलब जो सो कॉल्ड गुड मैन वो है जो बैड मैन को बताता है कि तुम ये करो, ये सही है, ये गलत है, ठीक है. एंड बैड मैन इज नथिंग बट द डीड ऑफ गुड मैन. गुड मैन जिसको हम लोग बोलते हैं सो कॉल्ड गुड मैन वो है जो वो करता है जो गुड मैन करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है.
अब आप बताइए आप क्या बनना चाहेंगे, गुड मैन या बैड मैन? सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. ये मिस्ट्री, ये विजडम हम लोग को क्यों नहीं पता है? क्योंकि पता किससे चलेगा? किसी वाइज पर्सन से पता चलेगा ना. और वाइज जो विजडम है वो इतनी कॉमन नहीं है कि हर घर में मिलती है. विजडम इतनी रेयर है कि हम लोग की सोसाइटी में सेंचुरीज में कभी कभी आती है. एक पर्सन के विजडम से पूरी पूरी सोसाइटी रन होती है. सो ये विजडम की पावर होती है. तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप अपने आप को खोलिए, पेपर पे ओपन कीजिए, अपने आप को जानिए. आप इसकी आपको जरूरत है, तब क्लैरिटी आएगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको पता, फिर आपको अपने ब्लॉक्स का पता चलेगा. कई ऐसी चीजों की जो आप लिख ही नहीं पाओगे. आपका जो अनलिव्ड पार्ट है वो आपको परेशान कर रहा है. अब कई चीजें, कई सारी विशेष ऐसा है कि जिनका टाइम निकल चुका, जा चुका, मतलब वो हो भी नहीं सकती कुछ नहीं, तो उनको भी लिखे क्या? उनको भी लिखिए. वो लिखने से ना आपको ऐसा लगेगा कि आप वो मोमेंट्स जी रहे हो. आप एक्सप्रेस कीजिए, वो बहुत आपको हेल्प करेगा. एग्जांपल समझिए, अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन है और आप लिख दीजिए, तो लिखना हमें वैसे ही फीलिंग देता है जैसा हम वाकई में आइसक्रीम खा रहे हैं. सो हम लोग ऐसे अपने बहुत से इमोशंस को ऐसे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बस उनको हम लोग एक्सप्रेस तो करें. हाँ, तो ये हम समझ नहीं पा रहे थे इतने दिनों तक कि लिखना है तो क्या लिखना है. अब जो चीज हम कर ही नहीं सकते, वो हम लिखने से फायदा क्या, ऐसा हम सोच, अभी तक तो मैं यही सोच रही थी. दैट इज द ब्लॉक. ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाँ, नहीं कर सकते. तो, हाँ, तो वो अभी आपने बताया ना कि जो आप नहीं कर सकते, अब जो जो हो पाना आप तुम्हारी जिंदगी में संभव नहीं है. जैसे मान लीजिए अब जैसे मेरे पति रहे नहीं, तो उस हालत में मैं सोसाइटी में उस तरह से रह नहीं सकती जिस तरह से मैं रहना, जैसे सजना सवरना या जो कुछ भी है, तो मैं वो नहीं कर सकूंगी. अब जैसे मान लो मेरे बेटे की शादी में बहुत सजी, ये सब आपके ब्लॉक्स हैं. ये सब आपके ब्लॉक्स हैं. आप ना सोसाइटी के लिए जी रहे हो कि मैं क्या करूं ताकि सोसाइटी के लोग मुझे अप्रिशिएट करें. आप देखो, आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जिनको हम लोग बात कर रहे हैं कि हम उनके क्लास में ही नहीं होना चाहते. उनका क्लास ही खराब है क्योंकि वो लोअर रहना उन्हीं पे. मगर रहना तो वही है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन हम उनके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे ना. हम, आप समझिए, हम उनको लीड कर रहे हैं. हम उनको वे ऑफ लिविंग सिखाना हमारा काम है, हम उनसे सीखना हमारा काम नहीं है. होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ. जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में एक जो इनर कंटेंटमेंट मिसिंग है, आप वो अट्रैक्ट करोगे. आप हैप्पीली, जो एक होता है ना, एक हैप्पी डेथ को एक्सपीरियंस करोगे आप. अदरवाइज आपकी लाइफ विथ रिग्रेट खत्म होगी. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन. वो नहीं चाहती. हाँ, तो वो उसमें से बाहर निकलना है, वही नहीं चाहती मैं कि जब जिंदगी में कोई कमी है नहीं, तो मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस होती. आपकी कमी है, आप बोल रहे हो कमी नहीं है. आपकी आपकी लाइफ में केवल जो बोलते हैं ना, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें, बस वही है बस. और उसके अलावा कुछ नहीं है. रिलेशनशिप आपके पास नहीं, और आप बोल रहे हो मेरी जिंदगी में कुछ कमी नहीं है. आप बताइए, दुनिया मैं कह रहा हूँ कि वो जो आप जिसको दुनिया बोल रहे हो, वो बहुत, वो लोग लोअर चेक क्लास की अपनी लाइफ को जीते हैं. उन लोग की थिंकिंग गलत, उन लोग की अवेयरनेस वीक, उन लोग की डूइंग गलत, उन लोग के इंटेंशन गलत. मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए. हम लोग भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना. मैं बस डायरेक्ट बोल रहा हूँ बातों को. उनकी हर चीज गलत है. उनकी, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, उनकी थिंकिंग गलत, उनकी इंटेंशन गलत, उनकी अवेयरनेस वीक, उनके डीड्स गलत. अब आप वैसे लोग को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप वैसे लोग को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं. मैं क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ. मैं जो बोल रहा हूँ पूरी अवेयरनेस में बोल रहा हूँ. मेरी बात में कहीं कुछ कमी है तो आप बता दो, क्योंकि मैं कोई पहाड़ पे तो रहता नहीं हूँ. मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, मैं भी इन लोगों के बीच में रहता हूँ. लेकिन उन लोगों से मैं सीखता नहीं हूँ, क्योंकि उनसे क्या सीखें? सीखने के लिए मास्टर्स हैं, मेंटर्स रहे, एक से एक मास्टर्स इस दुनिया में आए हैं, गए हैं. उनकी टीचिंग से सीखेंगे ना हम लोग, उनकी लाइफ से सीखेंगे ना. आप देखो, महावीर थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए. तो वो क्या किसी से इंस्पिरेशन लेने गए? उनकी, उनको लगा कि मुझे कपड़ों की जरूरत थी, उन्होंने छोड़ दिया. जस्ट मैं एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि हम लोग को हायर अवेयरनेस की सोल की तरफ जाना है, न कि सोसाइटी से सीखना है कि व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड थिंक, व्हाट आई शुड वियर. वो हमें क्या बताएंगे? जो खुद एक टीवी के न्यूज से ड्राइव होते हैं, वो हमें बताएंगे. होप आप समझ पा रहे हैं. मैं बस, मेरी यही अच्छाई या कमी है कि मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ. सो क्योंकि मुझे नहीं, मुझे नहीं, किसी का डर नहीं है. नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो सही है. ये इन सब विचारों में हम अटक के
अटक गए, मतलब एक एक मैं जो कह रही ना आपसे कि मैं डर है एक मन में, क्या डर है वो समझ में नहीं आ रहा कोई, वो डर का पता तब चलेगा जब आप चलना शुरू करोगे, जब आप वॉक करना शुरू करोगे। आप तो चल ही नहीं रहो, अभी तो आप वॉक ही नहीं कर रहे हो, आप चल ही नहीं रहो। अभी आप उस स्टेज में हो कि आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है टू वॉक द पाथ, ये आपका स्टेज है। और मेरा जो स्टेज है मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग एवरीथिंग। मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, केवल गॉड का सपोर्ट, ये सब जो साइंस में सिखा रहा हूँ इसका सपोर्ट, दैट्स इट। और ये काफी अपने आप में। और आप मेरा सब कुछ देख लीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस देख लीजिए, मेरा ऑरा देख लीजिए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ देख लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए। तो आप डरिए मत, चलना शुरू कीजिए। देखिए मेरे आप में डिफरेंस क्या है, मेरी लाइफ में वैसे मास्टर्स आए, वैसे मेंटर्स आए जिन पे मैं ट्रस्ट कर पाया, जिन पे मैं हुक कर पाया, मैं उनकी बातों को मान पाया। आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, बस इतना डिफरेंस है। अब शायद आगे वो आपको वो आपकी थिंकिंग, वो आपको देखना, दैट्स योर कॉल। वहां पे वो मेरा डोमेन नहीं, मैं नहीं बोल सकता कुछ, दैट इज वो क्योंकि आपकी फ्रीडम छीनना मेरा काम नहीं है। नहीं सो आप फिर से जीना शुरू कीजिए। आपकी अभी तक की जो लाइफ रही है उसके अचीवमेंट को देखिए, कोई रिग्रेट मत रखिए। जो अचीवमेंट है वो ठीक है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, कुछ ऐड करने की जरूरत है। तो अब आपके पास जो टाइम है वो बहुत कीमती है, आप उसको बहुत वाइजली आप उसको स्पेंड कीजिए। और जो राइट इंटेंशन है, जो राइट थॉट्स है, जो राइट टीचिंग्स है, उनको फॉलो कीजिए। और बैलेंस का ध्यान रखना है बस। जो सोसाइटी की आप बात करें, हम लोग को आउट ऑफ बैलेंस नहीं जाना है। हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या खुशी आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि वो लोगों की थिंकिंग इतनी नैरो है कि वो उसमें फिर डिस्टर्ब करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, उनका काम ही है। उसी वजह से मैं लोगों से जुड़ नहीं पाती। नहीं लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, आप समझिए अच्छे लोग भी हैं। मैं जिस सर्कल में रह रही हूँ ना वहां पे मुझे वैसे लोगों की दोस्ती मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल। मैं करती हूँ, आप कोशिश करूंगी। नहीं मिलेंगे, आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होता है ना कि देखिए भगवान कहाँ किस रूप में मिल जाए कुछ पता नहीं होता, तो कम होते हैं लेकिन हमारे मतलब के। हाँ फोन कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी आशा जी आप मुझे फोन कर दीजिए, हम बात करेंगे ना। जरूर 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 बिल्कुल। क्योंकि देखिए यूनिवर्स सब कुछ दे रहा है, मतलब ये सब यूनिवर्स की, आप ये समझिए कि हम लोग एक अबंडेंट यूनिवर्स में बैठे हैं। हमें फेथ करना है, ट्रस्ट करना है, अपने अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करना है और पॉजिटिव एनर्जी के लोगों से सिंक करना है, दैट्स इट। जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं उनको नमस्ते कर देना है कि बस ठीक है, दैट्स इट। हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान से मांगिए, वो देने के लिए बैठा है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, वो क्या क्या नहीं है इस यूनिवर्स में आप बताइए, सब कुछ है। आप मांगो तो, आप एक्शन तो करो, ट्रस्ट तो करो, चलना तो शुरू करो। आपको डर है, घबराहट है, चिंता है, सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ है। वो यूनिवर्स से मांगने वाला जो एक टेक्निक है वो इसमें लग सकता है। कौन सा टेक्निक, मैं समझा नहीं आप। वो कुछ है ना ऐसे लिखने का कि आपको क्या चाहिए। मैंने शेयर किया आपसे भी, सही लोग आपको मिले। नहीं हुआ है वो। चलिए मैं टेक्निक शेयर कर देता हूँ आज। एक पेपर लीजिए, ऐसे A4 शीट, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके राइट हैंड साइड में अपनी विश लिख दीजिए, जो भी आप विश चाहते हैं, लेट मे बी एनीथिंग। एक पेपर लीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके राइट हैंड साइड में अपनी विश लिखिए जो आप नेचर से चाहते हैं, लेट मे बी एनीथिंग, कोई टर्म्स कंडीशन आप मत रखिए। ठीक है, अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप उसी विश को अटेन करने के लिए जो जो टास्क आप कर सकते हैं वो मेंशन कीजिए, और जो वो टास्क होता जाए उस पर टिक करते जाइए। और इस पेपर को आपको संभाल के रखना है, ये ऑस्पिशियस पेपर है, होगा आपके लिए। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो इस पेपर को, जैसे हम लोग पूजा की चीज को गंगा में बहाते हैं, वैसा ट्रीटमेंट आपको इस पेपर के साथ करना है। ये एक टेक्निक है, आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक जरूर करके देखिए। हाँ इसको शुरू कीजिए। बाकी वन मोर टाइम सर, वन मोर टाइम प्लीज सर, वन मोर टाइम। हाँ पूछिए कोई इशू। नो सर, वो जो टेक्निक है दो बार बोल। ओके, इसमें करना क्या है, देखिए हमें एक A4 शीट लेना है। A4 शीट प्लेन, रूल्ड वन, एनीथिंग इज फाइन। प्लेन, नो प्लेन, प्लेन पेपर। यूनिवर्स से कम्युनिकेट करें ना, तो हम क्यों बार्स क्यों लेके चले, डायरेक्ट मतलब यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन उसके राइट हैंड साइड में अपनी विश लिखनी है, राइट हैंड साइड। ओके, विश दैट मे बी एनीथिंग। ओके,
अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं, उसी विश को पूरा करने के लिए आप भी तो एफर्ट्स करोगे ना, क्योंकि हम लोग गॉड को भी कमांड तो नहीं दे रहे हैं, गॉड को लोग प्रे करते हैं, तो सेम विश को पूरी करने के लिए जो जो आप कर सकते हैं, जो जो एक्शन आपके रीच में है वो एक्शन लिखिए, और जब वो एक्शन होता जाए उस पर टिक करते जाइए, ग्रीन पेन से टिक करते जाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपकी विश मोस्ट प्रॉब्ली पूरी हो जाएगी। और ये एक हैंडी टेक्निक है, थोड़ा सा टाइम लगना है, आप इसको जिंदगी भर यूज करते हैं इस टेक्निक को, एक विश पूरी हो जाए दूसरे के लिए यूज करिए, तीसरे के लिए यूज करिए, हमेशा करते रहिए, यूनिवर्स को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो होप मैं सारे आंसर कर पाया। आफ्टर विश पूरी होने के बाद सर, आप इसको ग्रीन पेन से टिक कर दीजिए कि विश पूरी हो गई, और इस पेपर के साथ वही ट्रीटमेंट करना है जैसे हम लोग जो पूजा के सामान के साथ करते हैं, उसको गंगा में बहाना, उस ऑस्पिशियस पेपर की तरह इसको ट्रीट करना है, इसको इस पेपर को संभाल के रखना है अपने फाइल में, फोल्डर में, मतलब इसको वैसे ट्रीट करना है, ऑस्पिशियस जो पेपर होता है जैसे, बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट देना है इसको।